नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे आधार इनरोलमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चे का या फिर किसी का भी, और आप चाहते हैं कि नहीं घर बैठे हो, बाहर जाना नहीं पड़े, क्योंकि आधार सेंटर में जाएंगे या फिर किसी भी थर्ड पार्टी में जाते हैं तो आपसे मतलब अनाप शनाप चार्ज किया जाता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं चार्ज नहीं दें क्योंकि आपके चिल्ड्रेन का आधार कार्ड गवर्नमेंट फ्री में कराता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फ्री में भी हो और घर बैठे भी हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया है, सरकारी संस्था है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको आपके घर पर आके आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा आपको पता चलने वाला है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे गूगल क्रोम में, वहाँ पे IPPB सर्च करेंगे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वह सर्च करेंगे, पहला लिंक कुछ इस तरह का आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है, और IPPB कस्टमर अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा कुछ फॉर्म मिल जाएगा। अगर IPPB कस्टमर आप नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके डू स्टेप बैंकिंग पे आप क्लिक कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे चाइल्ड इनरोलमेंट, आधार इनरोलमेंट, यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड आधार इनरोलमेंट। यहाँ पे अगर IPPB कस्टमर चेक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको चाइल्ड आधार इनरोलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो आप अगर कस्टमर है इंडियन पोस्ट बैंक के तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे और डू स्टेप बैंकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ करना है, क्या है नहीं है वो टाइटल चूज़ करेंगे। आपका फर्स्ट नेम देंगे, आपका लास्ट नेम देंगे, आपका मोबाइल नंबर देंगे, आपका ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट लाइन देंगे, यानी आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो बिल्डिंग नंबर देंगे, अगर ग्रामीण एरिया में है तो अपने गाँव का नाम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर एड्रेस का सेकेंड लाइन यानी आपका रास्ता या एरिया का जो नाम है वो देंगे। यहाँ पर आपका पिन कोड देंगे, पिन कोड देने के बाद आपको जो चूज़ यानी ऑप्शन मिलेगा नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिसों का ऑप्शन आप यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर सब डिवीज़न, डिवीज़न, रीजन, सर्किल, स्टेट, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, अगर कुछ भी आपका स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो आप वहाँ पे ये चीज़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंडेटरी डिस्क्लेमर देना है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन IPPB का है मैं इस पर करता हूँ, मतलब एग्री करता हूँ और कंसेंट देता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है मेरे नॉलेज में। उसके बाद कैप्चा देंगे, कैप्चा देके सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको देखेंगे, यहाँ पे सबमिट में का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा कि आप जो एप्लीकेशन आपने डाला था अब सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब वहाँ विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आपने जो भी नंबर दिया उस नंबर पे कॉल या मैसेज आएगा, ईमेल में मेल आएगा कि आपके यहाँ पे जो पोस्टमैन का ऑफिसर है यानी कि जो आपका इंचार्ज इनवॉल्व करेगा जो भी यहाँ पे पोस्टमैन है वो आपका इस डेट को जाएगा, इतने बजे जाएगा वहाँ पे, उस जगह पे उस टाइम पे आप अपने बच्चे को रेडी रखेंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चे का और माँ बाप में से किसी का आधार कार्ड चाहिएगा। टोटल फुल फ्लैज ऐसा ईमेल आएगा जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो ईमेल आने के बाद उस डेट को उस टाइम पे पोस्टमैन यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आके आपके बच्चे का बायोमेट्रिक लेगा और आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चेक करेगा और आपका बायोमेट्रिक लेगा। उसके बाद आपके बच्चे का आधार कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। वो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देंगे और विद इन अ वीक आपका आधार कार्ड भी होपफुली बन जाएगा। जब बन जाएगा तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बाई पोस्ट तो आएगा, लेकिन बाई पोस्ट कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चे का आधार कार्ड घर बैठे ही बनवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।